एनसी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चारधाम यात्रा सीजन और गर्मियों की छुट्टी की वजह से हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ रही है। रोज शहर में जाम लग रहा है। इसी बीच आज श्रीगंगा दशहरा है। इस स्नान पर्व पर हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में भीड़ और अधिक बढ़ने से परेशानी भी बढ़ेगी। पुलिस और प्रशासन ने स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने की तैयारी कर ली। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा आज आयोजित होने जा रही है। आज होने वाली यूपीएससी प्री परीक्षा के लिए लखनऊ में कुल 87 केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर एक एक स्थानीय पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया गया है। दो पालियों में परीक्षा पूरी कराई जाएगी। बेमेतरा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणवीर शर्मा ने वर्षा ऋतु में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य खेत विपणन एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। वर्षा ऋतु में मछलियों के वंश वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया है। उदयपुर में 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत योग सप्ताह का शुभारंभ आज से होगा। जिला प्रशासन, आयुष विभाग, राजस्थान द्वारा दुर्गा नर्सरी रोड स्थित सुखाड़िया समाधि स्थल पर योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के बाद अब पार्टियां विधानसभा की तैयारियों में जुट रही हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 4 महीने बचे हैं और कांग्रेस ने अभी से ही चुनावों को लेकर कमर कस ली है। बता दें कि कांग्रेस अब हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। ये सम्मेलन आज से 13 जुलाई तक चलेंगे। इस सम्मेलन में हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से उज्जैन के महाकाल मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। इंदौर से ओंकारेश्वर किराया 5,200 रुपए और ओंकारेश्वर से उज्जैन का 6,500 रुपए होगा, यानी 11,700 रुपए खर्च कर दोनों जगह हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। भागलपुर में खेल में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आज शतरंज का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है। इसको लेकर आज शतरंज का ट्रायल भागलपुर में होना है। भागलपुर एवं आसपास के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है। शतरंज प्रतियोगिता को लेकर होने वाले ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ी यदि चयनित हो जाते हैं तो उन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। जयपुर के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट से इस माह का एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आज से आबूधाबी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले समेत हाल में हुई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी बुलाई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के शीर्ष अधिकारियों समेत अन्य लोग शामिल होंगे। जयपुर शहर में 21 जून को होने वाली राज्य स्तरीय योग दिवस से पहले 10 जून से ही योग महोत्सव शुरू हो गया है। अब आज और कल जयपुर के योग साधक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए योगाभ्यास करेंगे। वहीं आज और कल 48 संस्थाओं के साथ मिलकर 1500 मिनट योग करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1779 में आज के दिन स्पेन ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। साल 1857 में आज के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार का युद्ध समाप्त हुआ था। साल 1903 में आज के दिन मोटर कंपनी फोर्ड की शुरुआत हुई थी। साल 1911 में आज के दिन न्यूयॉर्क में आईबीएम कंपनी की स्थापना हुई। साल 2012 में आज के दिन बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला ने म्यांमार में 60 वर्षों बाद कारोबार शुरू किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।